हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। नए प्लान के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए आज देखते हैं प्लॉट साइज 25 फीट बाय 25 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान को एज पर रिक्वायरमेंट। बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जबकि ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK तथा फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम का प्रावधान है। साथ ही साथ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बालकनी की भी व्यवस्था की गई है। आशा है प्लान पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसमेंट का प्लान है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे 25 फीट है और ऐसे भी 25 फीट है। इधर नीचे रोड है इस साइड में साउथ में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8 फीट में स्लोप बना हुआ है, जिसे अप डाउन जाएंगे नीचे। और ये गैराज है ऐसे 9 फीट और ऐसे 15 फीट 4 इंची का। और इस जगह से इधर देखिए स्टेयर केस बना हुआ है। गाड़ी पार्क करने के बाद आप इससे ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे। ये टोटल इधर से 10 स्टेप्स है और इधर से भी 10 है। ये चौड़ाई फ्लाइट की 2 फीट 6 इंच रखा हुआ है, जबकि ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच है और राइजर 6 इंच है। लैंडिंग ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट और ऐसे 3 फीट है। इस जगह पर रोलिंग शटर का प्रावधान करें। और उसके बाद में देखिए ये आ जा रहा है इधर ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ये यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं। ये प्लिंथ हाइट इस जगह पर 5 फीट आ रहा है। 10 स्टेप्स के बाद में आप प्लिंथ हाइट पर आते हैं। यहाँ सामने एक बेडरूम है जो कि ऐसे 10 फीट है और ऐसे 14 फीट है। और उसके बाद में इधर टॉयलेट का प्रावधान किया गया है, जो कि ऐसे 7 फीट है और ऐसे 3 फीट 10 इंच है। उसके बाद में यही स्टेयर केस 2 फ्लाइट में बटा हुआ, दोनों फ्लाइट की चौड़ाई 2 फीट 6 इंच है, ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच और राइजर 6 इंच रखा हुआ है। इधर आप बेसमेंट से इधर आते हैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर, और उसके बाद में इधर से भी आ सकते हैं और इधर सामने से भी। देखिए है यहाँ प्रोविजन, ताकि आप सामने से भी ऊपर आ सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। इस साइड में डाइनिंग हॉल का प्रावधान किया गया है, जो कि ऐसे 9 फीट है और ऐसे 9 फीट 9 इंच है। इधर 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है, जबकि डी का साइज रखा हुआ है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। D1 का साइज है 3 फीट बाय 7 फीट का, जबकि D2 का साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। और W3 आ रहा है 2 फीट 6 इंच वह 4 फीट 6 इंच का। बी का साइज है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का। ये पैसेज ये यहाँ ये बन रहा है 3 फीट 6 इंच का। इस जगह पर आप आयरन गेट लगाएं, ताकि इधर से भी सफिशियंट मात्रा में रोशनी आ सके। और उसके बाद में ये फर्स्ट फ्लोर, इधर देखिए ग्राउंड फ्लोर में यहाँ डाइनिंग हॉल और इधर किचन का प्रावधान किया गया है, जो कि ऐसे 7 फीट 3 इंच है, और जबकि ऐसे 6 फीट रखा हुआ है। इधर 2 फीट वाइड कुकिंग प्लेटफॉर्म है और इधर 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। और ये देखिए यहाँ पर सील हाइट पर इधर प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ है ये, और इधर से जो कि यहाँ से 2 फीट 6 इंच ऊपर है। इधर से आप एंट्री ले सकते हैं इसमें सीट आउट में आने के लिए। और उसके बाद में ये बन रहा है ये फर्स्ट फ्लोर, जिसमें 2 बेडरूम का प्रावधान किया गया है। दोनों बेडरूम में देखिए इस बेडरूम के साथ में टॉयलेट अटैच कर दिया गया है, जो कि साइज इसका 7 फीट ऐसे है और ऐसे 4 फीट है। इस साइड में वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है। और यहाँ W3 देख रहे हैं 2 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच है। और ये बालकनी बन रहा है इस साइड वाला बेडरूम यहाँ का, जो है सो ऐसे 14 फीट है और ऐसे भी 14 फीट आ रहा है। इस पीछे में ये कट का प्रावधान किया गया है, जो कि
ऐसे 5 फीट है और ऐसे 3 फीट 5 इंच है। यहाँ पर यहाँ लैंडिंग के ऊपर वेंटिलेटर का प्रावधान करें, 2 फीट 7 इंच वाइड है। यहाँ W3 2 फीट 7 इंच बाय 4 फीट 6 इंच है, जबकि इस जगह पर 2 फीट 5 इंच बाय 4 फीट 6 इंच है। W2 का साइज रखा हुआ है 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच, जबकि W का साइज 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच है। और यही बालकनी बन रहा है। इस साइड से भी आप बालकनी में आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं, दोनों साइड से आप बालकनी में इस बेडरूम से और इस बेडरूम से आ सकते हैं। यहाँ D1 का साइज रखा हुआ है 3 फीट बाय 7 फीट का। तो ये है बेसमेंट का प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर का। ये फ्रंट एलिवेशन कुछ इस प्रकार का आ रहा है, ये नीचे रोलिंग शटर को दर्शा रहा है इस जगह। और उसके बाद में यही निकला हुआ है पहला बालकनी, दूसरा और ये तीसरा। ये ग्राउंड फ्लोर के रूम का है विंडो, यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा ये यहाँ है, इसी जगह से यहाँ पे से एंट्री ले रहा है, 5 फीट ऊपर है यहाँ। तो फ्रेंड यही था आज का प्लान 25 फीट बाय 25 फीट के लिए। मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू, गुड।